हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वैशालीज क्रोशे में। आज हम ये ब्यूटीफुल डॉयली सीखने वाले हैं। आप इसे पाइनएप्पल डॉयली भी कह सकते हैं। 23 राउंड्स में हमने ये बनाई है। इसका डायमीटर है 17.5 इंचेस। इस फर्स्ट पार्ट में हम 1 to 15 राउंड्स सीखने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम 16 to 23 पार्ट्स बनाना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इस डॉयली को बनाने के लिए हम 3-ply कॉटन थ्रेड का यूज करेंगे। कॉटन थ्रेड है ये 3-ply। 7 नंबर 0.95 mm का हूँ यूज करेंगे और ये सीजर। सबसे पहले स्लिप नॉट करेंगे, चेन 8 चेन बनाएंगे, फर्स्ट चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और रिंग बना लेंगे। अब इस रिंग में चैन 4 करेंगे। फर्स्ट राउंड हमारा चैन 4। यान ओवर ट्वाइस, यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे। 2 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर करने हैं हमें, ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। 2 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर। नेक्स्ट चेन 5 करेंगे, चेन 5 अगेन। नेक्स्ट 2 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर, यान ओवर ट्वाइस, सेकेंड पेयर बनाएंगे यहाँ पे। 2 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर, इसे हमें 12 टाइम बनाने हैं। चेन 5 अगेन, यान ओवर ट्वाइस, 2 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर करेंगे यहाँ पे। ट्रिपल क्रोशे टुगेदर करेंगे और बीच में चेन 5 का स्पेस रखना है। ऐसे हम 12 टाइम्स बना लेंगे। इस तरह हमने चेन 5 का स्पेस रखकर 12 सेट्स बना लिए। 2 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर की चेन 5 करेंगे और फर्स्ट 2 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर के ऊपर हम टॉप पर स्लिप स्टिच करेंगे। फर्स्ट राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, इन्हें एक जैसा कर लेंगे। यहाँ पे हमने 12 पेटल्स बना लिए 2 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर के और उसमें 5 चेन का स्पेस रखा है। नेक्स्ट चेन 5 स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे। चेन 5 स्पेस में आना है, यहाँ से सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे, चेन 3 और 3 डबल क्रोशे करेंगे, टोटल 4 डबल क्रोशे बनाएंगे चेन 5 स्पेस में। 4 डबल क्रोशे, चेन 2 करेंगे, चेन 2 अगेन। नेक्स्ट चेन 5 स्पेस में 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। हर चेन 5 स्पेस में 4 डबल क्रोशे करेंगे और बीच में चेन 2 का स्पेस रखना है।
इस तरह हम सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया। टू चेन करेंगे और इस चेन फाइव स्पेस में फोर डबल क्रोशे करेंगे। लास्ट चेन फाइव स्पेस में अगेन टू चेन करेंगे और इस थर्ड वन टू थ्री थर्ड चेन पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट राउंड यहीं से स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड चेन थ्री, फर्स्ट डबल क्रोशिया हमारा, और डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करते जाएंगे, फोर डबल क्रोशे। फोर डबल क्रोश हमने बना लिए। अब इस बार हम चेन थ्री का स्पेस देंगे। प्रीवियस राउंड में हमने टू चेन टू का स्पेस दिया था फोर डबल क्रोश के बीच में। इस बार चेन थ्री, अगेन फोर डबल क्रोश के ऊपर एक एक डबल क्रोश कर लेंगे। फोर डबल क्रोश, चेन थ्री, फोर डबल क्रोश, ऐसा हम थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया। चेन थ्री, फोर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे कर लेंगे, फोर डबल क्रोशे। इस तरह फोर डबल क्रोशे कर लिए हमने चेन थ्री, और इस थर्ड चेन पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे। फोर्थ राउंड के लिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। चेन थ्री, सेकेंड और थर्ड राउंड के जैसा ही ये राउंड है। इस बार हम फोर्थ राउंड में चेन फोर का स्पेस रखेंगे फोर डबल क्रोशे के बीच में। फोर डबल क्रोशे हमने बना लिए फोर डबल क्रोशे के ऊपर। इस बार चेन फोर, वन टू थ्री फोर, चेन फोर का स्पेस रखेंगे, अगेन डबल क्रोशे और डबल क्रोशे, डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे कर लेंगे, फोर डबल क्रोशे, फोर डबल क्रोशे, चेन फोर, फोर डबल क्रोशे, ऐसा ही राउंड हम बना लेंगे फोर्थ राउंड। लास्ट फोर डबल क्रोशे के ऊपर फोर डबल क्रोशे हमने बना लिए, चेन फोर, थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच। इस तरह हमने फोर्थ राउंड कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट फिफ्थ राउंड, फिफ्थ राउंड के लिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे चेन थ्री करेंगे, फिफ्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। चेन थ्री, नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे, टू चेन करेंगे, चेन टू, नेक्स्ट टू डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे।
इस तरह 2 डबल क्रोशे चैन 2, 2 डबल क्रोशे बना दिए हमने। नेक्स्ट चैन 4 स्पेस में 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह अब नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बना लेंगे। अगेन चेन 2, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। अगेन फर्स्ट 2 डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चैन 2, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे, चैन 4 स्पेस में 4 डबल क्रोशे। ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे, एक एक डबल क्रोशे कर लेंगे यहाँ पे, चेन 2, अगेन 2 डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे इस तरह। नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में 4 डबल क्रोशे, नेक्स्ट थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमने फिफ्थ राउंड कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट राउंड सिक्स्थ राउंड यहीं से स्टार्ट करेंगे। सिक्स्थ राउंड स्टार्ट करेंगे चेन 3, फर्स्ट डबल क्रोशे हमारा इस राउंड का। नेक्स्ट चेन पर सेकंड डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। अब हम चेन 5 करेंगे, चेन 5, 1 2 3 4 5, 5 चेन बना ली हमने यार्न ओवर। इन फर्स्ट 2 चेन पर 2 डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे। फर्स्ट इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, सेकंड इनकम्प्लीट डबल क्रोशे और दोनों का 2 डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे। नेक्स्ट 4 चेन पर 1 डबल क्रोशे बना लेंगे, 4 डबल क्रोशे। अब यहाँ की लास्ट 2 चेन पर भी हम सेम वैसे ही 2 डबल क्रोशे टुगेदर बना लेंगे। इस तरह 2 डबल क्रोशे डिक्रीज दोनों तरफ से और बीच में 4 डबल क्रोशे ऐसे बना लेंगे हम। 2 डबल क्रोशे डिक्रीज, नेक्स्ट चेन 5 करेंगे। अगेन फर्स्ट 2 चेन पर 2 डबल क्रोशे डिक्रीज, नेक्स्ट 4 चेन पर 1 डबल क्रोशे, और लास्ट 2 चेन पर 2 डबल क्रोशे डिक्रीज बना लेंगे।
लास्ट टू चेन पर टू डबल क्रोशे डिक्रीज, टू डबल क्रोशे टुगेदर। इस तरह हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। चेन फाइव करेंगे अगेन सेम, फर्स्ट टू चेन पर हम टू डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे। नेक्स्ट फोर चेन पर वन डबल क्रोशे करेंगे और लास्ट टू चेन पर टू डबल क्रोशे टुगेदर। इस तरह हम ये सिक्स राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। टू डबल क्रोशे टुगेदर बना लिया हमने चेन फाइव। अगेन फर्स्ट टू चेन पर टू डबल क्रोशे टुगेदर। नेक्स्ट फोर्थ चेन पर वन डबल क्रोशे। फोर डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे, हर चेन पर वन डबल क्रोशे। थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच। इस तरह हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेवेंथ राउंड यहीं से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच करेंगे। मिडल में आना है हमें, जो हमने फाइव चेन बनाई थी यहाँ पे चेन थ्री करेंगे। चेन थ्री फर्स्ट डबल क्रोशे और थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे। टोटल फोर डबल क्रोशे बनाने हमें यहाँ पे। फोर डबल क्रोशे हमने बना लिए, चेन थ्री करेंगे। चेन थ्री और यहाँ पे जो हमने टू डबल क्रोशे टुगेदर किए थे उस चेन पर, और नेक्स्ट चेन पर हम टू डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे डिक्रीज। टू डबल क्रोशे टुगेदर डिक्रीज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टू चेन पर वन डबल क्रोशे। और इस लास्ट टू चेन पर हम टू डबल क्रोशे टुगेदर डिक्रीज करेंगे। इस तरह अगेन चेन थ्री और यहाँ पे थर्ड चेन पर फोर डबल क्रोशे बनाएंगे मिडल में। अगेन चेन थ्री करेंगे। फर्स्ट टू चेन पर टू डबल क्रोशे टुगेदर डिक्रीज करेंगे फर्स्ट टू चेन पर। अगेन नेक्स्ट टू चेन पर वन डबल क्रोशे। लास्ट टू चेन पर टू डबल क्रोशे टुगेदर डिक्रीज। इस तरह हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे, सेवेंथ राउंड। इस तरह हमने सेवेंथ राउंड कंप्लीट कर लिया। चेन थ्री करेंगे, फर्स्ट टू चेन पर टू डबल क्रोशे टुगेदर डिक्रीज। नेक्स्ट टू चेन पर वन डबल क्रोशे। लास्ट टू चेन पर टू डबल क्रोशे टुगेदर डिक्रीज करेंगे। चेन थ्री और यहाँ पे थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमने
सेवेंथ राउंड कंप्लीट कर लिया। एट राउंड के लिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, चेन थ्री, नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे करेंगे, चेन वन, अगेन नेक्स्ट टू चेन पर वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, चेन वन, टू डबल क्रोशे, ऐसा बना लेंगे हम। चेन फोर, चेन फोर करेंगे और यहाँ पे फोर डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे, फोर डबल क्रोशे टुगेदर डिक्रीज, फोर इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे और चारों का एक बनाएंगे, इसे हम फोर डबल क्रोशे टुगेदर डिक्रीज करते हैं। अगेन चेन फोर करेंगे, नेक्स्ट टू चेन पर टू डबल क्रोशे, चेन वन, चेन वन करेंगे, अगेन टू चेन पर टू डबल क्रोशे, अगेन चेन फोर, नेक्स्ट फोर चेन पर हम फोर डबल क्रोशे टुगेदर डिक्रीज करेंगे, फोर इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करने हैं और उनकी एक स्टिच करनी है इस तरह। अगेन चेन फोर, अगेन यहाँ पे टू डबल क्रोशे, चेन वन, नेक्स्ट टू चेन पर टू डबल क्रोशे, इस तरह हम ये राउंड एट राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने एट राउंड कंप्लीट कर लिया, चेन फोर बना लिया हमने, यहाँ पे फोर डबल क्रोशे टुगेदर डिक्रीज करेंगे, इस तरह चेन फोर, और यहाँ पर थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच, एट राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। नाइन्थ राउंड स्टार्ट करेंगे, ये फ्लावर हमने बना लिया बीच वाला इस तरह। नाइन्थ राउंड के लिए हम चेन थ्री करेंगे, नेक्स्ट चेन पर डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम चेन थ्री का स्पेस देंगे, वन टू थ्री, और यहाँ पे टू डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे, इस तरह। यहाँ पे 11 चेन करेंगे, अब ये पार्ट स्किप करेंगे हम, इसे स्किप करना है पेटल को, और यहाँ पे टू डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे करेंगे, चेन थ्री, अगेन टू डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे, अगेन 11 चेन बनाएंगे, 11 चेन बनाते जाएंगे और टू डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे, देन चेन थ्री, अगेन
टू डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे, ऐसे ही राउंड हम बना लेंगे। पेटल वाला पोर्शन स्किप करना है, टू डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे करना है, चेन थ्री करेंगे बीच में, अगेन टू डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे, इस तरह हम ये नाइन्थ राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने नाइन्थ राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने ये 11 चेन के स्पेसेस बना लिए, 11 चेन करेंगे और यहाँ पे थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। नाइन्थ राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। टेंथ राउंड स्टार्ट करेंगे, टेंथ राउंड यही से स्टार्ट करेंगे, चेन थ्री, नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, चेन थ्री करेंगे, अगेन टू डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे करेंगे, इस तरह चेन थ्री करेंगे, चेन थ्री, अब यहाँ पे सिक्स चेन पर मिडल में फाइव डबल क्रोशे बना लेंगे, जो हमने 11 चेन बनाई थी उसके सिक्स चेन पर फाइव डबल क्रोशे करेंगे, आगे चेन थ्री, और यहाँ पे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, चेन थ्री, टू डबल क्रोशे, यहाँ पे भी टू डबल क्रोशे, अगेन चेन थ्री, यहाँ पे 11 चेन के मिडल में सिक्स चेन पर फाइव डबल क्रोशे बनाएंगे और ऐसे हम ये राउंड टेंथ राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने टेंथ राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे चेन थ्री करेंगे, थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। 11th राउंड स्टार्ट करेंगे, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, चेन टू, अगेन टू डबल क्रोशे, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे कर लेंगे। इस बार हम चेन टू का स्पेस रखेंगे टू डबल क्रोशे के बीच में, चेन टू, अब यहाँ पे हम फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे करेंगे, आगे के हर डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे बना लेंगे, टेन डबल क्रोशे, इस तरह हमने टेन डबल क्रोशे बना लिए, चेन टू, अगेन डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे,
टू डबल क्रोशे, चेन टू, अगेन डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे बना लेंगे यहाँ पे। अगेन चेन टू करेंगे और हर चेन पर टू टू डबल क्रोशे बना लेंगे, टोटल 10 डबल क्रोशे बनाने के। इस तरह हम ये 11th राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हमने 11th राउंड कंप्लीट कर लिया, अब 12th राउंड। यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशे बना लिए, चेन टू करेंगे, और थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और इस राउंड को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट 12th राउंड बनाएंगे, चेन थ्री, फर्स्ट डबल क्रोशे हमारा, सेकंड डबल क्रोशे करेंगे, चेन वन, इस बार हम चेन वन का स्पेस रखेंगे टू डबल क्रोशे के बीच में, नेक्स्ट टू डबल क्रोशे बना लेंगे डबल क्रोशे के बीच में, इस तरह, चेन टू। यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशे बनाए हैं, फर्स्ट चेन पर टू डबल क्रोशे, नेक्स्ट 8th चेन पर हम 1 डबल क्रोशे करेंगे, और इस लास्ट चेन पर हम टू डबल क्रोशे करेंगे, दोनों तरफ से टू डबल क्रोशे और बीच में 8 डबल क्रोशे, 12 डबल क्रोशे बना लेंगे इस राउंड में। अगेन चेन टू, टू डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे, चेन वन, आगे टू डबल क्रोशे यहाँ पे, आगे चेन टू, यहाँ पे फर्स्ट चेन पर टू डबल क्रोशे, आगे के 8th चेन पर 1 डबल क्रोशे और लास्ट चेन पर टू डबल क्रोशे, ऐसे 12 डबल क्रोशे बना लेंगे 12th राउंड में। इस तरह हम 12th राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने 12th राउंड कंप्लीट कर लिया। चेन डबल क्रोशे, अभी लास्ट चेन पर टू डबल क्रोशे, टोटल 12 डबल क्रोशे हमने बना लिए, चेन टू, चेन टू करेंगे और यहाँ पे थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे, 12th राउंड कंप्लीट करेगी। यहाँ पे हमने 12th राउंड क्लोज कर दिया। इस तरह हमने 12th राउंड कंप्लीट कर लिए। 13th राउंड, 13th राउंड के लिए चेन थ्री करेगी, सेकंड चेन पर डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाए। अब हम इस राउंड में बीच में चेन नहीं बनाएंगे, टू डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे बना लेंगे यहाँ पे। चेन वन, अगेन यहाँ पे हर चेन पर डबल क्रोशे करेंगे,
चेन वन का स्पेस देके और डबल क्रोशिया करते जाएंगे हर चेन पर, डबल क्रोशिया चेन वन, डबल क्रोशिया चेन वन, ऐसे 12 डबल क्रोशिया सेपरेटेड बाय चेन वन बना लेंगे, चेन वन का स्पेस देके और 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह हमने 12 डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन बना ली, चेन वन करेंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे करेंगे, यहाँ से भी 2 डबल क्रोशे, चेन वन आगे, नेक्स्ट 12 चेन पर भी हम ऐसे ही कर लेंगे, डबल क्रोशे चेन वन, नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे चेन वन, इस तरह 12 डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन बना लेंगे और ये 13 क्राउन हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह 13 क्राउन हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने वन डबल क्रोशे चेन वन ऐसे बना लिया 12 टाइम्स, 12 डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन बना लिए हमने, चेन वन इस चेन पर 1 डबल क्रोशे करेंगे, चेन वन और यहाँ पे थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच, 13th राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। 14th राउंड स्टार्ट करेंगे, चेन 3 और नेक्स्ट 3 चेन पर 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे, 4 डबल क्रोशे टुगेदर करने हैं हमें यहाँ पे डिक्रीज, इस तरह इनकी एक बनाएंगे, एक स्टिच बनाएंगे 4 स्टिच की, इस तरह हमने यहाँ पे एक पत्ते का शेप बना लिया। चेन 3 करेगी, अब इन 2 डबल क्रोशे के बीच में जो चेन 1 स्पेस है वहां पे वर्क करेगी, चेन 1 स्पेस में डबल क्रोशे करेगी, चेन 1, नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे करेगी और चेन 1 का स्पेस देगी, चेन वन स्पेस में डबल क्रोशे बनाने हमें, इलेवन डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन बना लेंगे इस राउंड में। फोर्टीन्थ राउंड में चेन 3, 4 डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे यहाँ पे डिक्रीज, इस तरह चेन 3, अगेन हम चेन 1 स्पेस में
वन डबल क्रोशे करेंगे चेन वन, नेक्स्ट डबल क्रोशे चेन वन, ऐसे 11 डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन बना लेंगे और ये 14th राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने 14th राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे पत्ते का शेप, लीफ का शेप बन गया है और इसके बीच में ये बड़ा सा पत्ता, लीफ का शेप ऊपर की तरफ नैरो होते जाएगा। इस तरह हमने 14th राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे चेन थ्री कर लिया हमने और चेन वन स्पेस में डबल क्रोशे चेन वन, नेक्स्ट चेन वन स्पेस में डबल क्रोशे चेन वन, ऐसे हम 11 टाइम्स कर लेंगे। 11 डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन बना लेंगे हम। इस तरह हमने 11 डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन बना लिए। चेन थ्री करेंगे और इस थर्ड चेन पर टॉप पर 3 डबल क्रोशे टुगेदर के टॉप पर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने ये 14th राउंड कंप्लीट कर लिया। अब 15th राउंड में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट 4th चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और सेंटर में आएंगे 2 डबल क्रोशे के बीच में। यहाँ पे चेन वन स्पेस में आना है हमें स्लिप स्टिच करके, हर चेन पर स्लिप स्टिच 2 3, यहाँ पे 4 स्लिप स्टिचेस हमने यहाँ पे बना लिए। सेंटर में चेन वन स्पेस में चेन 4 करेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशे हमारा, नेक्स्ट चेन वन स्पेस में डबल क्रोशे चेन वन, अगेन नेक्स्ट चेन वन स्पेस में डबल क्रोशे चेन वन, नेक्स्ट चेन वन स्पेस में डबल क्रोशे चेन वन करते जाएंगे, नेक्स्ट चेन वन स्पेस में डबल क्रोशे करेंगे। इस राउंड में हम 10 डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन बना लेंगे हम। इस तरह 7 चेन करेंगे, इस पोर्शन को स्किप करना है बीच वाले। चेन वन स्पेस में डबल क्रोशे करेंगे चेन वन, डबल क्रोशे वन चेन वन, चेन वन स्पेस में डबल क्रोशे करते जाएंगे और चेन वन का स्पेस रखेंगे। 10 टाइम्स हम ये बना लेंगे, 10 डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन। इस तरह बना लेंगे। चेन 7 करते जाएंगे और 10 डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन 1 करते जाएंगे। इस तरह हम 15th राउंड
कंप्लीट कर लेंगे। हमने ये 15th राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन 1 बना लिए और 7 चेन का स्पेस रखा। लास्ट 10 डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन 1 हमने बना लिए, चेन 7 करेंगे। चेन 7 बना ली हमने। अब यहाँ पे थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में हम इसे कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट 8 राउंड्स बना लेंगे इसके। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में।